हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे आप लोग? मैं ठीक हूँ। मैं स्वागत है आपका मेरा एक और ब्लॉग में। आज का ब्लॉग फिर से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ब्लॉग। यश के घर से ऐसे कहाँ जा रही हूँ मैं? अरे यश कर रहा है यहाँ पे पढ़ाई और मैं जा रही हूँ मंदिर। तो आप लोग बने रहे मेरी वीडियो में। अब उतर चुकी हूँ मैं मंदिर के आगे पार्किंग में। अब मैं जा रही हूँ अभी पार्किंग का पे करने के लिए। और अब मैं पहुंच चुकी हूँ हैरो सिद्धार्थम टेम्पल में। और यहाँ पे देखो इंडिया के काफ़ी सारे साधु महाराज जी की पिक्चर यहाँ पे लगी हैं। रामदेव बाबा, केदार बद्रीनाथ वाले महाराज जी, काफ़ी लोगों की लगी हैं। काफ़ी लोग आए, आप लोगों ने देखे पहले भी मेरी वीडियो में यहाँ के बाहर की पिक्चर हैं। और यहाँ पे आज राजेश्वर महाराज जी, उन्होंने हमको इकट्ठा किया है क्योंकि आज किसी के लिए प्रेयर कर रहे हैं यहाँ पर। पता है किसके लिए कर रहे हैं? जो यहाँ के किंग है ना, उनको कैंसर है, उनके डॉटर इन लोगों को भी कैंसर है, तो फैमिली में दो लोगों को कैंसर है। तो राजेश्वर महाराज जी ने आज सबको यहाँ पर इकट्ठा किया है, उनके लिए पूजा रखी है, उनके लिए प्रेयर करना है। तो अपने लिए हर कोई मांगता है और दूसरों के लिए बहुत कम लोग मांगते हैं। तो ऐसे हैं हमारे महाराज जी और इंडिया के लोग ही ऐसे सोच सकते हैं। तो नाम हरि का भजले बंदे फिर पीछे पछताएगा। भजले बंदे फिर पीछे पछताएगा। नाम गोविंद का भजले बंदे फिर पीछे पछताएगा। काठ के साथ लोहा भी तर जाता है, तो रवि शर्मा तो लोहा है, आप काठ हैं, आप संत हैं। आपके साथ बैठकर के सभा में परिवर्तन आता है। हनुमान जी से प्रार्थना, सतगुरु तम नमः। अखंड मंडलाकार व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी नाम चलेगी भजन निर्भय कर दो। और ये शक्ति इनकी अक्षय कर दो। अक्षय क्या होगा दोस्तों? निर्भय कर दो इनके जीवन को। निर्भय कर दो
संजीवन लाए पहली शिक्षा कोई और नहीं हमारे श्री रामचंद्र जी दी है। कैसी ध्यान दीजिए। एक बार राम जी को उनके पिता दशरथ जी ने बुलाया, राम आज मैं तुम्हारा राज अभिषेक करूंगा। राम जी ने कहा धन्यवाद, अब मेरा चेहरा देखिएगा। राम जी ने कहा धन्यवाद। जैसे पता चला केकई माता ने कहा राजा बनेगा भरत, राम को मिलेगा 14 वर्ष का। दशरथ जी महाराज परेशान हुए, न चाहते हुए भी दशरथ जी महाराज को राम को बोलना पड़ा। उस समय राम जी ने कहा क्या हुआ, बोला राम वनवास जाना पड़ेगा। उस समय भी राम जी ने क्या कहा, धन्यवाद कोई बात जो आज्ञा। जब अभिषेक की बात हुई तो भी जो आज्ञा, वनवास जाने की बात हुई तो भी जो आ गया। इसका मतलब रामायण की पहली सीख, पहली शिक्षा राम देते हैं। अगर आपकी प्रशंसा हो, कुछ भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, राम को याद करके कहना। हर हर बोले नमः शिवाय। और काफी लोग आए थे, बहुत भीड़ हो चुकी थी लास्ट में। और अभी यहाँ पे प्रसाद भी रखा गया था, और देख रहे लोग हमेशा यहाँ पे सेवा पे लगे रहते हैं। ये रहे राजेश्वर महाराज जी, मैंने भी उनका आशीर्वाद लिया। और फिर हम लोगों ने सबने प्रसाद वगैरह खा के मैं निकली घर के लिए। और वहाँ पे ना एक नेपाली बहन थी, उन्होंने पर्चा दिया था क्योंकि नेपाल में भी अभी कथा शुरू होने वाली है, तो उसका ये पर्चा। और मैं पहुँची घर। तो चलो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलते हैं और ब्लॉग में। बाय बाय।